I think a lot of people have said, the entire team, what they feel about the situation that we are currently in. I don't know where to actually begin. Like Vivek said, when we were about to start the promotion of Great Grand Masti, we were at IFA, and that's when we realized there's something out there. And we immediately contacted our team back home, and in the hope that someone just has a photograph and that he's put out there. So someone actually tweeted to us saying that, you know, here, your movie's out. Screenshot. A screenshot. Then we investigated, like Vivek said, we found out it's from a shot from the movie, actually, which is not floating around in the promotions. And you know, it's been a nightmare for last 15, 18 days that we were promoting this film, because when it started, it was just out and we were just hoping, arre kuch nahi hoga, nahi, shayad nahi hoga, ek off hoga, dekh lete, baat kar lete. Dusre din utkar phir phone kar rahe, sir, kuch aaya kya? Bhani nahi, aaj kuch nahi, aaj theek hai, aaj theek hai. Chalo theek hai, yaar, God bless, you know, let's promote. And then we are tracking figures, ke Ormax, which is respected around the industry. कि क्या ट्रैकिंग है फिल्म की एंड वी वर ट्रैकिंग कॉन्स्टेंटली एट 10.5 क्रोर्स टू 11 क्रोर्स आई थिंक दैट्स द फिगर राइट फ्रॉम द स्टार्ट जैसे हम लोग तो तीन हफ्ते पहले हाउसफुल रिलीज हो रही थी मेरी हम लोग हाउसफुल का ट्रैक कर रहे थे हाउसफुल वॉज ट्रैकिंग 17 से 14 फिर 12 फिर 13 फिर इवेंचुअली 15.5-16 की ओपनिंग आई बिकॉज प्रमोशन के दौरान टूवर्ड्स द लास्ट लेग जब सारे प्रमोशंस बढ़ जाते हैं तो यू कैन ट्रैक बेटर क्योंकि एंड वी न्यू कि सुल्तान इज़ अ बिग फिल्म और सारा अटेंशन एक बड़ी फिल्म के पीछे होगा तो हमने सोचा था कि जब सुल्तान का पूरा जो एक हफ्ता ख़त्म हो जाएगा जो सब देन वील स्टार्ट पीक आ प्रमोशन क्योंकि तब सारा अटेंशन शायद सुल्तान के बाद हमारी और आएगा सो इट वॉज ऑल अ स्ट्रैटेजी दैट वी हैड एंड प्लान फॉर अ 2 week गैप के सुल्तान का हो जाने के बाद हम लोग आएंगे मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग किस दौर से गुजरे ये सिर्फ हमको पता है कि प्रोड्यूसर है हम सब है जो हमारे एक साल डेढ़ साल हम लोग काम करते किसी चीज़ पर लोगों के और लेके आते ये सोच के हम लोग वी वी प्लान अ करियर्स अकॉर्डिंगली राइट कि ये फिल्म अब रिलीज़ होगी ये फिल्म अब रिलीज़ होगी इसको हम ऐसे लेके आएंगे and eventually something like this happens and then you're struggling ki kya aur bahar jaakar fir you have to go to a comedy show you have to do interviews then you have to keep the same spirit of masti kyunki tv pe log dekhne wale hain aur fir pata chalta hai ki nahi humne dekhi isne dekhi the sad part of this entire thing is where does it begin एक इंसान एक कॉपी लेता है बेच देता है फिर मुझे कोई ट्वीट करता है सम जर्नलिस्ट आई फॉरगॉट हिज नेम और कहा कि दिस कॉपी इज अवेलेबल ऑन द डार्क नेट अब डार्क नेट क्या है मुझे पता नहीं था कि डार्क नेट होता क्या है फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो किसी ने मुझे बताया कि इंटरनेट के अंडर वर्ल्ड की तरह होता है जहाँ डीलिंग होता है कि इस कॉपी को बेचने के लिए आई डोंट नो व्हाट इट इज आई एम रियली इलिटरेट इन दिस थिंग सो आई डोंट स्टार्ट समथिंग दैट आई डोंट नो मच अबाउट बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जब पता होता है कि यहाँ से कॉपी निकलती है वहाँ आती है फिर क्या होता है फिर जैसे विवेक ने कहा कि मालेगांव के किसी थिएटर में लगाते थे क्यों लगाते हो क्योंकि आपको डर नहीं है आपको इस बात का डर नहीं है क्या लगाते हैं देख लेंगे क्या होता है बट थैंकफुली कि प्रशासन ने उनको जेल में डाला उनके सारे जब्त कर लिए बट दिस इज टू लेट राइट वी आर सेट एज एन एग्जाम्पल कि नुकसान होने के बाद ही हो रहा है ये डर अगर पहले होता तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता दूसरी बात क्या हो रही है कि एक सिटी में किसी ने 8 दिन पहले रात को केबल पे दिखा दी जो घर पे बैठ रहे केबल टीवी पे आपकी फिल्म जो HD क्वालिटी है वो फिल्म केबल पे दिखाई जा रही है अब जो आदमी केबल पर बैठकर फिल्म देख रहा है उसको तो फ्री में मिल रही है पिक्चर वो क्यों जाएगा आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू पे मनी
to go and see something when they're getting it free? क्यों लगाया केबल पे? क्योंकि डर नहीं है. मुंबई सिटी में एक एरिया में एक केबल वाले ने फिल्म लगाई दिखाई. हमको मैसेज आते हैं, सर ये देखिए एक इतने इतने सेकंड के क्लिप्स दिखाए गए. सी माय पॉइंट बीइंग, आप स्टेशन के बाहर निकलते हो तो आपको पायरेटेड कॉपीज बाहर बेचते हुए मिलते हैं लोग. यू नीड टू फाइंड अ लॉ, यू नीड टू इंप्लीमेंट अ लॉ. जहां पर बेचने वाले को आप पकड़ रहे हो तो खरीदने वाले को भी पकड़ना चाहिए. इट हैज टू बी एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप चोरी का माल बेच रहे हो और चोरी का माल विच इज हर्टिंग समवन एंड इट हर्ट्स एवरीवन हियर इन मोर वेज देन वी कैन अंडरस्टैंड. आई रियली एक्सपेक्ट एंड रिस्पेक्ट यू गाइस कि आपके माध्यम से शायद ये बात बाहर पहुंचे. आप पीछे कैमरा पे हो, शायद आपसे बात पहुंचे जो लोग देखकर समझे. ऐसा क्या होगा कि ये 5 मिनट लगे, एक आर्टिकल आएगा, लोग पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, देयर सम अदर फिल्म कमिंग. बट दिस इज अ सीरियस इशू, वी आर ह्यूज विक्टिम्स टू दिस. और बात ये थी कि पिछले 15 दिन से जब हम सबको पता चला कि नहीं अभी बात बाहर हो चुकी है, केबल पे आ चुकी है, थिएटर में बजे, क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, क्या हम लोगों से बात करें, क्या हम लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं रुको, आप बात मत. शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद फिल्म नहीं देखी है, उनको क्यों हम बताएं कि ऐसे बाहर अवेलेबल है, ऐसा हो रहा है? खामोश रखते हैं. पर जैसे पता चला, जैसे हम लोग जा रहे थे, शॉकिंगली योर फ्रेंड्स विद मीडिया और हम लोग थे, और ऐसे एक इंटरेक्शन हो रहा था इन एन एडिटोरियल ऑफिस. वहाँ पे बोला कि कहते किसी ने बोला मैंने देखी, और कल की बात है, फ्राइडे की. ऐसे कब देखी? 2 दिन पहले. आई सेड यू आर फ्रॉम द प्रेस, यू आर सिटिंग हियर इन एन एडिटर्स ऑफिस एंड टेलिंग मी दैट यू वॉच्ड अ पायरेटेड कॉपी एंड ही इज टेलिंग मी के नहीं नहीं आप. हम लोग इतने उतावले थे कि हम लोग रोक नहीं पाए. एंड आई थॉट दैट समवन हु रिप्रेजेंट्स अ न्यूज़पेपर वुड बी इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज रिस्पॉन्सिबल एज यू गाइज आर. पर ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल अस कि आई हैव सीन योर पायरेटेड कॉपी. फेयर इनफ. आई मीन क्या व्हेन यू बैटर्ड एंड टेकिंग पंचेस एवरी डे, तो एक पंच यहाँ से भी वील स्टैंड अप अगेन. बट it's indeed really a sad day, a sad moment, in last 13-14 years of our careers, because we almost started together, this has to be a saddest event that we are participating and seeing. Aur jahan tak ki hum log victim ban chuke hain, please, I request every responsible authority to implement something. Safeguard us. You know, we want to do better stuff. And it's not about grandmasti. It's not about a genre. Kis genre mein film bani hai? Ye film ki baat kar rahe hain. Log genre ki baat nahi kar rahe hain. Ki yaar, ye ek adult comedy hai. Ya A certificate film. Iski baat nahi hai. Urta Punjab hai. You know, it's not about this. Yaar. We are getting hurt. It's back to back. And it's really sad. Sairat, a regional film, uski bhi unfortunate censor copy bahar aayi thi. All we want to say, as in an individual capacity, I stand with my team. I think my director Indra Kumar, producer Ashok Thakeria ji, have been pillars and have been there for a long time. We will be with them throughout. And the entire team, Balaji, Ekta, who is one of the strongest women I have come across, she gives us immense strength, and the entire team of Balaji. I think I've spoken enough. Thank you. Hi, Ritesh. मेरा सवाल आपसे है. आजकल के बहुत समय से हर फिल्म रिलीज होते ही या रिलीज़ के एक दो दिन पहले ही ऑनलाइन आ जाती है. सुल्तान भी आ गई थी,
एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सेंसर कॉपी है वो रिलीज बहुत पहले आ जा रही है, आप लोगों की 15 दिन पहले आ गई, उड़ता पंजाब की भी आ गई, साराट की भी आ गई जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बाद में, तो क्या आप एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि सेंसर कॉपी लीक हो रही है, सिर्फ नॉर्मल कॉपी लीक नहीं हो रही है, अनसेंसर्ड कॉपी, इसमें एक पैटर्न देखते हैं, सबोटाज करने की कोशिश देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सैराट की कॉपी रिलीज के बाद आई थी, बट सेंसर कॉपी थी, वो सेंसर कॉपी थी पर रिलीज के बाद, उड़ता पंजाब 2 दिन पहले और 17 दिन पहले ग्रेट ग्रैंड मस थी. ओके, द बिगेस्ट ब्लो इज डेफिनेटली पायरेसी, बट ऑल्सो द इफेक्टिवनेस ऑफ पायरेसी इज द लीड टाइम दैट इट गेट्स टू इनफिल्ट्रेट वेर एवर इट नीड्स टू रीच. यहाँ पर जहाँ तक पैटर्न की बात आप बता रहे हो, तो आई एम नो बडी टू अंडरस्टैंड सच पैटर्न. मैं से इतना जानता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन है कि शायद उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये एफ कैट कॉपीज जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे उतना हम लोग श्योर हैं, पर बाकी सारे फिल्म्स जो जिनकी पायरेसी हो रही है वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है, ये दिस आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन. एक सवाल और कि आपको नहीं लगता कि CBSE जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है, एफकैट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जब कॉपी भेजते हो और लीक वहीं से हो रही है सेंसर कॉपी, तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जबकि CBSE जो है इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है, वो कह रहा है कि पता नहीं कोई एक तरह की एक साजिश है, हमारे खिलाफ ही साजिश है CBSE ऐसा कहने की कोशिश करे, तो आप लोग कितना जिम्मेदार मानते? Hi, to minimize the losses, you know, yes. Are the actors also thinking of, you know, not taking their full amount of remuneration just to help the producers in that case? Yeah. I think Ritesh was continuing the question of mine first, if you would. Yeah, so sorry, to come back to this point. The entire industry has been in touch with all of us. They have extended their support and they've also said whenever they need, because what happens that we are here releasing a movie, we have an agenda, so they don't want to do something that is against what we are trying to achieve during the release week. And your question that there should have been probably more people, yes, they are all ready to be here, but we thought today was just about us trying to share something that is really dear to our heart and something emotional with you guys.